गाइस कैसे हो आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल हू फॉरएवर। सो गाइस आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक और प्रोडक्ट रिव्यू। यस, ये प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस काफी चल रहे हैं आजकल, सो मैंने सोचा चलो एक और प्रोडक्ट को रिव्यू किया जाए। सो आज का प्रोडक्ट होने वाला है दिस वन, लॉरियल हेयर स्पा। आई होप यू कैन सी दिस। दिस इज लॉरियल हेयर स्पा डीप नरिशिंग क्रीम बाथ फॉर ड्राई स्किन, फॉर ड्राई हेयर। सो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट दिस प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन मेरे रिव्यूज। तो इस वीडियो को एंटर देखना, ठीक है? चलिए। सो गाइज चलिए पहले आपको प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ। सो दिस प्रोडक्ट एक्चुअली इसकी कॉस्ट है 600 रुपीज। आपको यहाँ से दिखेगी कि नहीं पता नहीं। सो दिस कॉस्ट 600 रुपीज, बट मुझे मिली थी ये 570 रुपीज में। आई गॉट इट फ्रॉम अ लोकल ब्यूटी शॉप, वहां से मैंने लिया था। एंड दिस इज 490 ग्राम्स, ठीक है? ये 490 ग्राम्स की है। और आपको एक बात बता दूं मैं कि इसमें काफी केमिकल्स है। ये कुछ पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री ऐसी वाली नहीं है, इसमें काफी केमिकल्स है। एंड इफ मैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, सो ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स के नाम है, मतलब केमिकल्स के नाम है, जो कि मैं बोल भी नहीं सकती, मतलब प्रोनाउंसिएशन इतने बड़े बड़े हैं। तो और कुछ दिख तो नहीं रहा है, जैसे विटामिन ई किसी किसी में होता है, विटामिन ई, ये वाले नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वैसे तो नहीं है। एंड इट दे हैव सेड दैट यू नीड टू अप्लाई दिस ऑन शैम्पू, टॉवल, ड्राइड हेयर, मसाज इनटू हेयर एंड स्कैल्प फॉर 10 to 20 मिनट्स। सो दिस इज अ डीप नरिशिंग क्रीम बाथ विद वाटर लिली फॉर ड्राई हेयर, ये स्पेशली ड्राई हेयर वाले लोग के लिए। सो दिस इज द क्वांटिटी, मैंने इसे काफी यूज किया है। सो इसकी क्वांटिटी जो है मोस्टली, मतलब इतनी फुल होती है, फुल नहीं थोड़ी सी कम होती है। एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, सी वाइट इन कलर, और इसकी खुशबू बहुत मस्त होती है, बहुत ही मस्त, मतलब ऐसा लगता है ना कि आप सैलून में आ गए हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट, ऐसा कुछ है नहीं इसमें बोलने जैसा, यही है। सो लेट्स गिव यू माई रिव्यू। सो गाइज लेट मी टेल यू हाउ आई यूज दिस प्रोडक्ट। फर्स्ट आई ऑयल माई हेयर, आई कीप इट ओवर नाइट मोस्टली। उसके बाद मैं शैम्पू करती हूँ एंड उसके बाद मैं ये कंडीशनर यूज करती हूँ। अब ये कंडीशनर कैसे यूज करना है? आपको इसे सिर्फ रूट्स पे लगाना है, इसे स्कैल्प पे नहीं लगाना है। दो इसमें लिखा है कि आप स्कैल्प पे लगा सकते हो, बट मैं इसे स्कैल्प पे नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ अपने एंड्स पे लगाती हूँ। आई कीप इट फॉर लाइक 5 to 10 मिनट्स, देन आई वॉश ऑफ माई हेयर। अब इसके बारे में बता दूं तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फॉर ड्राई हेयर के लिए। मेरी हेयर ड्राई है, सो आई यूज दिस प्रोडक्ट एफ्टे में, मैं 2-3 बार तो इसे यूज करती हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इसने मुझे। ये 600 की तो है, लेकिन ये चल जाती है एक साल। यस, एक साल मुझे चल जाती है, और मैं हफ्ते में 2-3 बार नहाती हूँ, मतलब हेयर वॉश करती हूँ। आप देख ही सकते हो कि मैंने इसे लास्ट लिया था दिसंबर में, आई गॉट इट ऑन इन दिसंबर। तो अभी इट इज ऑलमोस्ट 7 मंथ्स, 7 मंथ्स में देखिए कितनी क्वांटिटी बची है, ऑलमोस्ट इतनी है। मैं लेती हूँ सिर्फ 1 टीस्पून, मतलब ऐसा कुछ क्वांटिटी नहीं है, जस्ट टेक एंड जस्ट अप्लाई इट। सो 1 टीस्पून के करीब, 1 या 1.5 टीस्पून के करीब लेती हूँ, और मैं उसे एंड्स में लगाती हूँ। आई कीप इट 5-10 मिनट्स। रिजल्ट काफी अच्छे लगे मुझे। अगर आपकी ड्राई फ्रिजी हेयर है, आपके मैनेजेबल नहीं है, तो आप ये प्लीज यूज कीजिए। लाइक बहुत लोग की अलग अलग तरीके होते हैं, कोई कोई उसे लगाते हैं टेक अ स्टीम और दे टायर जस्ट हॉट टॉवल, मैं वो सब नहीं करती हूँ। आई जस्ट टू, जैसे मैंने बताया मैं वैसे ही करती हूँ, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है इससे काफी। और एक बात बता दूं कि आपको ये प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन मिलेंगे, ऑनलाइन काफी सस्ते होते हैं, लाइक 400 में मिलेंगे, 200 में मिलेंगे, ऐसे कोई कोई साइट्स है जहाँ पे 200 में मिलते हैं, तो वो वाले मत लीजिए गाइस, वो फेक हो सकते हैं, डू नॉट बाय दैट प्रोडक्ट। अगर आप लोगे तो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा वो, इसीलिए मत लीजिए। आप कोई अच्छे ब्यूटी शॉप में जाके लीजिए, अगर ब्यूटी शॉप कोई नहीं है अगर आपके आसपास, तो कोई अच्छे सैलून में जाके लीजिए जहाँ पे लॉरियल प्रोडक्ट्स वो लोग बेचते हो, ये प्लीज आप नोट कीजिए। ऑनलाइन मोस्टली तो मैं ऑनलाइन नहीं लेती हूँ, मैं वो ऐसी जगह शॉप से लेती हूँ, तो ऑनलाइन आपको समझ में नहीं आता है वेदर इट इज फेक और रियल। सो आप अच्छे शॉप से लीजिए, तो ही आपको अच्छा इसमें रिजल्ट मिलेगा। और ये एक साल चलता है, तो और 600 तो इट्स लाइक वर्थ इट, सो वाई नॉट बाय दिस प्रोडक्ट। तो अगर आपके मेरी जितनी हेयर लेंथ है, लाइक मेरी इट्स लाइक टिल वेस्ट लाइन तक मेरी हेयर है, तो मेरे को तो ये एक साल तक चली जाती है। अगर आप उससे लंबे बाल है, तो आपको आराम से 6 महीने तो चले जाएंगे, 6-7 महीने चले जाएंगे।
तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। शैम्पू के बाद ये जरूर यूज करना। दूसरा, कभी कभी देखो हम लोग ऐसा लगता है कि सल्फरेट फ्री, पैराबिन फ्री अच्छे होते हैं, बट समटाइम्स दैट प्रोडक्ट्स डू नॉट वर्क ऑन आवर हेयर एंड वी नीड सम केमिकल्स ऑल्सो। मुझे ऐसा लगता है कि ये है केमिकल का, लेकिन इट सूट्स माई हेयर, तो इसलिए मैं यूज करती हूँ। पहले आई वॉज वेरी स्केप्टिकल ऑफ यूजिंग दिस बिकॉज इट में इसके इंग्रेडिएंट्स आपको मैंने जैसे बताया इज फुल ऑफ केमिकल्स। आई वॉज लाइक कि कैसे यूज करूँ, बट देन वेन आई स्टार्ट यूजिंग दैट, ये मेरी सेकेंड डब्बी है। फर्स्ट में स्टार्टिंग मैंने लास्ट ईयर से यूज़ किया था, उसके बाद एक साल चलाया मैंने, दिसंबर में ख़त्म हो गया, तो मैंने अभी ले ली है। अभी ये मुझे इस साल 2020 दिसंबर तक चलेगी। मुझे बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आप ज़रूर लेना ये। एंड इसकी खुशबू तो आपको मैंने बताई है, तो बहुत अच्छी खुशबू है गाइस। तो इसमें और कुछ अभी बताने जैसा तो है नहीं, आपको मैंने बता भी दिया कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ। आपको चाहिए तो आप स्टीम सब ये सब भी कर सकते हो, लेकिन अभी इतना टाइम होता नहीं है कि हम हर टाइम स्टीम ले, हर टाइम ये सब करें। तो जैसे मैंने बताया, जैसे नॉर्मल आप कंडीशनर करते हो वैसे भी आप कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट कीप इट फॉर 5 मिनट्स, सो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। सो प्लीज डू ट्राई दिस प्रोडक्ट वंस। सो गाइस, ये था मेरा छोटा सा एक रिव्यू वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल बैक विद सम अदर वीडियो सम अदर डे। टिल देन, बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल। बाय।